लेट्स बिगिन कल कहा तक छोड़ा था हमने कल हमने छोड़ा था कहा तक कल हमने पढ़ लिया था कि वेदर कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था हमने ठीक है कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन क्या हुआ रोहित आप लोग ट्राई कर कर करके देख रहे हैं कुछ आप लोग ट्राई कर करके देख रहे हैं क्या है? नहीं बोल रहे थे कुछ बोल रहे थे याद क्या बोले हाँ 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 मुझे याद है दोस्त मतलब आप पढ़ के आए ऐसा बोलना चाहते हैं क्या मुझे याद है ठीक है मैं नहीं भूलता हूँ चलिए तो कल हमने कुछ इंट्रोडक्शन बेसिक्स पढ़ा था ठीक है कि एटमोसफेयर क्या होता है एटमोसफेयर में कैसे शॉर्ट वेव्स हीट एनर्जी जो रहता है सन से आता है वो कैसे एंटर कर रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेज क्या है ठीक है इसके बाद देखा था कि वॉट इज द कंपोजिशन ऑफ आवर एयर वॉट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेज डू वी वी हैव इन द इन एटमॉस्फेयर कोई मुझे बताएगा कि आर्गन ज्यादा है हमारे एयर में कि न्योन ज्यादा है रुक जाइए देख लेता हूँ पलट के नो आरकॉन नो आरकॉन याद रहना चाहिए सर आ, क्या क्या हमारे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन था हमारा जो भी एटमॉस्फेयर है हमारा जो एयर है उसमें क्या एक परसेंट से ज्यादा था कि एक परसेंट से कम था कम था सर ठीक है हमेशा याद रखिएगा। वट व्हाट वाज़ दी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज था कितना कंसंट्रेशन था कितना वॉल्यूम था सर बीस इक्कीस था ठीक है चलिए वेरी गुड यार आप लोग मतलब मेहनत करके आए हैं वेरी गुड कोई मुझे बता पाएगा कि हमारा जो एटमोसफेयर है वो लॉन्ग लॉन्ग वेव्स को टैप करता है कि शॉर्ट वेव्स को लॉन्ग वेव्स को ट्रैप करता है मतलब रोकता है कि शॉर्ट वेव्स को लॉन्ग वेव्स को ट्रैप करता है कि शॉर्ट वेव्स को सर ट्रैपिंग बोल रहा हूं मैं रोकना ट्रैप ट्रैप मतलब रोकना ट्रैप कर रहे हो बंद कर रहे हो सुनिए चीज को ट्रैप मतलब रोकना किसको ट्रैप करता है सर लॉन्ग वेव को ट्रैप करता है शॉर्ट वेव को बोलता है जाओ 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 एकदम जाओ दरवाजा खुला हुआ है तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है जाओ ना तुम तुम्हारा हाँ पैसा मिल चुका है तुम्हारा तुम जाओ मतलब शॉर्ट वेव को आराम से बोलता है नहीं तुमको मैं रोक लूंगा ट्रैपिंग कर दूंगा हमने देखा था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पता है हम लोग चांद पे क्यों नहीं रह पाते है? हम लोग बहुत डिस्कशन करते हैं कि चांद में पानी मिला कि नहीं मिला चांद में क्या है क्या नहीं है बहुत हम लोग डिस्कशन करते हैं सोना मिल रहा है लंदफन बहुत बहुत चलता रहता है ये सब चीज पर सर हम लोग

पृथ्वी के चारों तरफ बहुत एयर का एक इन्वलप है, इनवलप जैसा है एयर चारों तरफ से घेरा हुआ है पृथ्वी को, वही क्या है एटमोस्फेयर है।, है? है? है बहुत सारा एयर के कारण तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एटमोस्फेयर अच्छा कल मैंने ये भी समझाया था कि यार एटमोस्फेयर पृथ्वी के कोर में नहीं होगा क्योंकि वो हल्का है हल्का चीज हमेशा बाहर निकलता है ठीक है हल्का चीज हमेशा बाहर निकलता है ठीक है तो यह है पृथ्वी हल्का चीज बाहर निकलेगा हमेशा इसीलिए जो एटमोस्फेयर है वो पृथ्वी के बाह्य में दिखता है बाहर में दिखता है चारो है चारों तरफ ठीक कल मैंने यह समझाया था आप लोगों को कि सर सुबह में तो चली रोशनी आ जा रहा है सन का हीट एनर्जी मिल जा रहा है हमें पृथ्वी गर्म रह रहा है पर रात के वक्त सूर्य नहीं है रोशनी नहीं है हीट एनर्जी नहीं है फिर सर हमें ठंडा इतना क्यों नहीं लगता मतलब रहने लायक कंडीशन तो है सर ऐसा क्यों क्योंकि ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ दी लॉन्ग वेव आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दर्फेस ऑफ द अर्थ सर लॉन्ग वेव ट्रैप हो जाता है और वो टेम्परेचर को मेनटेन करके रखता है रात के वक्त को ठीक है बट ऐसा चीज मून में नहीं पाया जाता क्या मतलब सुनिएगा सर मून है ये ये मून है चांद है सर चंद्रमा का चांद का अपना या फिर चांद का कोई एटमोसफेयर है ही नहीं वहां पर एटमॉस्फेयर नाम का कोई चीज ही नहीं है अब आप ही मुझे बताइए सुबह में सुबह में शॉर्ट वेव से शॉर्ट वेव से वहां पे सन का हीट पहुंचेगा सर वहां का भी सरफेस कुछ हीट को एब्सॉर्व करेगा बाकी को रिफ्लेक्ट कर देगा लॉन्ग वेव के फॉर्म में अब लॉन्ग वेव से रिफ्लेक्शन हो रहा है मैंने क्या बोला सर वहां पे कोई भी एटमॉस्फेयर ही नहीं है मून में कोई भी एटमॉस्फेयर ही नहीं है आप मुझे बताएंगे ये जो लॉन्ग वेव रिफ्लेक्ट हुआ आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ मून क्या वो कोई ट्रैप करने वाला है उसको कोई रोकने वाला है उसको मतलब तो रोकने वाला ही नहीं है जितना हीट आया उतना हीट वापस चला गया सर रात को ठंडा लगेगा बहुत ठंडा लगेगा सर रात को ना माइनस बहुत बहुत ज्यादा मतलब माइनस बहुत ज्यादा टेम्परेचर में चला जाता है सर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर में चला जाता है और ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सर्वाइव इन दैट टाइप ऑफ कंडीशन इसीलिए सर एटमोसफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है सर एटमोसफेयर इसीलिए हम लोग चांद पे नहीं रह पाएंगे देखो भैया रहने का भी इतना स्टिल मत होना कि रह नहीं पाएंगे अगर मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है यार ठीक है कुछ भी कर सकता है तो ऐसा नहीं स्टिल होगा कि नहीं ये मार कर लेना है मतलब इन जितना मतलब हमें समझना है चीज को उस चीज में हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये बहुत कठिन है मनुष्य के लिए सर्वाइव करना मून पे इन द लैक ऑफ एटमोसफेयर ठीक है एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पे चलिए हाँ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास को क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था क्या हुआ था सर वो थोड़ा सा मैं बता रहा था ठीक है चलिए भैया चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्लास को एटमॉस्फेयर से सर कल से तो एटमॉस्फेयर ही पढ़ रहे हैं हाँ बिल्कुल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट आर दी डिफरेंट लेटमोसफेयर लिखने का जरूरत नहीं है लास्ट में मैं थोड़ा समरी बना दूंगा अगर आप लोग चाहें रनिंग नोट्स बना लीजिए बनाइए पर उससे ज्यादा सुनने का काम कीजिए उससे ज्यादा सुनने का काम कीजिए पीडीएफ भाई आ, मतलब पीडीएफ वैसा कुछ है नहीं ठीक है तो आप रनिंग नोट ही बना लो तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है आप रनिंग नोट ही बना लो तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है और बाकी मैं लास्ट में समरी लिखा देता हूं ठीक है तो अभी फिलहाल इस टॉपिक में मैंने कल ही बोला था कि लिखने से ज्यादा सुनने पे जोड़ दीजिएगा ठीक है चलिए अब हम लोग आज पढ़ेंगे व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ठीक है एटमॉस्फेयर का क्या क्या लेयर्स हैं सर कितने कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में ठीक है सुनिएगा नो शू ब्रदर सर ये फर्स्ट लेयर अरे यार कहीं जब गजब नहीं दिख रहा है फर्स्ट लेयर तो थोड़ा अच्छा थो से बनाते हैं इसको ये है हमारा पृथ्वी का सरफेस ठीक है ये है हमारा फर्स्ट लेयर इस लेयर का क्या नाम है सर पहला लेयर पहला लेयर एटमॉस्फेयर का क्या नाम है उसका ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर उसके बाद स्टेटोस्फेर उसके बाद फेयर उसके बाद एग्जोजेयर उसके बाद, एग्जोज उसके बाद एग्जोज इस पूरे को क्या बोलते हैं एग्जोजफेयर और नहीं नहीं सर रुक जाइए रुक जाइए थोड़ा ज्ञान का प्रदर्शन मत कीजिए इस लेयर को हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं बहुत अच्छा समझेंगे हम लोग टेंशन मत लीजिए आप लोग ठीक है यहां पे एग्ग्रोस्फेयर नहीं यह है आइनोसफेयर यह है आइनोस्फेयर और यह है एग्जोस्फेर ठीक है बोलिए साहब समझ में आए सबको सर इतने लेयर्स हैं अच्छा आप लोग को याद आ रहा होगा पृथ्वी कोई मुझे बताएगा मूलतः पृथ्वी के कितने लेयर्स हैं मूलतः पृथ्वी के आ, मैं अगर ज्यादा डीप में ना जाऊं अगर ज्यादा डीप में ना जाऊं तो लिथोस्फेयर के कितने लेयर्स हैं कितना लेयर पढ़ा, पढ़ा है हमने लिथोस्फेयर का लिथोस्फेयर सर लिथोस्फेयर कितना पढ़ा है हमने सर इंटीरियर ऑफ अर्थ मतलब एक अलग वर्ड बोल दो तो पूरा कॉन्सेप्ट भूला जाओ भूला जाओ ना आपको मतलब आप जो खाना बना रहे वही खाना नहीं आएगा सर वही खाना नहीं मिलेगा आपको एग्जाम रूम में आपको डिमांड लगाना पड़ेगा कि इंसान पूछ रहा है लिथोस्फेयर लिथोस्फेयर में किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग भाई अर्थ के तो बारे में पढ़ रहे थे मेंटल कोर याद आ रहा है सबको सर वहां पे भी हमने बहुत सारा लेयर पढ़ा था इसके अलावा भी हमने देखा था एस्थेनोस्फेर ठीक है लिथोस्फेयर ये सब चीजें हमने देखा था ठीक है तो आज हम लोग का टॉपिक है एटमोसफेयर के लेयर्स को पढ़ना ठीक है सबसे पहला लेयर कौन सा है रटना नहीं है सिंपल सा चीज है चार बार बोलिए खुद को याद हो जाएगा थर्मोस्फेयर स्टेटोस्फेयर मिजोस्फेयर सर आइनोस्फेयर और एग्जोस्फेयर और वो लोग जो मुझे थर्मोस्फेयर थर्मोस्फेयर बोल रहे थे इन दोनों लेयर्स को एक साथ क्या बोलते हैं थर्मोस्फेयर समझ में आया आप लोगों को सर अलग कलर से लिखे हैं आप इसीलिए लिखे हैं। पांच बार बोलिए अपने आप को तो रटना नहीं है पांच बार बस बोलना है ट्रोपोस्फेयर स्टेटोस्फेरफेयर आइनोसफेर एक्सोस्फेर ट्रोपोस्फेर स्टेटोफेर आइनोसफेयरफेयर आग, आगे बढ़ते हैं हम लोग हम लोग का काम क्या है हम लोग का काम यह है कि हम लोग हर एक लेयर के बारे में हर एक लेयर के बारे में विस्तार से थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि किस लेयर में क्या क्या घटनाक्रम होता है किस लेयर में क्या क्या चीजें होती हैं फॉर एग्जाम्पल एग्जाम exam में आपसे पूछ जाए कि किस लेयर के किस लेयर में एरोप्लेन उड़ता है के किस लेयर को सबसे ज्यादा ठंडा माना जाता है के किस लेयर में ओजोन पाया जाता है एटमोसफेयर के uh, किस लेयर में किस आता है ठीक है एटमोस्फेयर के किस लेयर को हम लोग रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं एटमोस्फेयर के कौन सा लेयर जो है एटमोस्फेयर का एकदम बाह्य लेयर है तो ये सब चीजें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ठीक मतलब, है मतलब माइंड में सिंपल इतना समझिए कि हमने जैसा क्रस्ट मेंटल कोर में पढ़ा था कि भैया क्रस्ट क्या है मेंटल क्या क्या है क्या है कोर वैसे ही अब हम लोग क्या है एग्जोस्फेयर क्या है ओवरऑल थर्मोस्फेयर क्या, 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 क्या है वो चीज का अध्ययन करेंगे बोलिए भाई साहब समझ में आ रहा सभी को चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है सर सुनिएगा ध्यान से सुनना भैया मेरे ध्यान से सुनना प्लीज कल मैंने बोला था कि यह है इक्वेटर टॉपिक डालिएगा ट्रोपोस्फेयर हम लोग पढ़ना है ठीक है टॉपिक क्या डालिएगा ट्रॉपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट लेयर है ना सर ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर पढ़ रहे हैं ठीक है हमने यहाँ पे बोला था इक्वेटर है यह है पोल यह पोल ठीक है अच्छा सर ग्रेविटी कहाँ ज्यादा है ग्रेविटी कहाँ ज्यादा है ग्रेविटी कहां ज्यादा है ऑब्वियस सी बात है सर पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है ठीक है जिसको नहीं समझ में आ रहा है ग्रेविटी क्यों ज्यादा है होता है सर बस रट लीजिए ठीक है थीके? ग्रेविटी पोल पे ज्यादा है और इक्वेटर पे कम है ठीक है चलिए इंसोलेशन कहा ज्यादा है पोल पे की इक्वेटर पे अब ये क्या नया वर्ड यूज कर दिए मैंने बताया था कि गर्म जो हो जाता है हवा इंसोलेशन बोलते हैं उसको ठीक है हीट एनर्जी सर इक्वेटर पे इंसोलेशन ज्यादा है इंसोलेशन ज्यादा है और पोल पे इंसोलेशन कम है ठीक है इंसोलेशन जो है वो पोल पे कम है तो इसके कारण क्या हो रहा है कल ही आप लोगों ने बताया था कि एटमोसफेयर जो है वो ज्यादा दूर तक पाया जाएगा कहाँ पे इक्वेटर पे और पोल पे क्या पाया जाएगा बहुत ही कंप्रेस्ड पाया जाएगा कल ही आप लोगों ने डिस्कस किया था बोलिए कल ये डिस्कशन हुआ था ना भाई साहब ठीक है बस मैं उसी चीज को ब्रशअप कर रहा हूँ ठीक है चलिए सर कल जो हम लोग बोल दे रहे थे एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड मिलेगा और एटमोसफेयर बहुत कंप्रेस्ड मिलेगा पोल पे सर वो एटमॉस्फेयर के किस जा सकता है ये जो मतलब किसके बारे में बात कर रहे थे सर किस लेयर के बारे में बात कर रहे थे एटमोस्फेयर मतलब अच्छा मतलब का पूरा एटमोस्फेयर का बात नहीं कर रहे थे हम लोग कल भी मैं चाहता तो ये टोपोस्फेयर वर्ड यूज कर सकता था बट मैंने कल इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि

इक्वेटर पे जो एटमोसफेयर मिल रहा है जो एयर का इन्वेलप मिल रहा है वो बहुत ही एक्सपेंडेड फॉर्म में मिल रहा है बहुत ही एक्सपेंडेड फॉर्म में क्यों सर वहां पे ग्रेविटी कम है और इंसोलेशन ज्यादा है सर इंसोलेशन का मतलब क्या हीट एनर्जी ज्यादा है कोई भी गर्म चीज गर्म होने के बाद ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा सर सर ऊपर जाएगा वो फैलने का कोशिश करेगा इसीलिए हमने देखा था कि हवा यहाँ पे फैलने का कोशिश करता है सर एटमोसफेयर यहाँ पे फैलने का कोशिश करता है कल कर मैं वर्ड यूज कर रहा था क्या एटमोसफेयर आज उस वर्ड को भूल के उस एटमॉस्फेयर वर्ड के जगह क्या याद रखिए क्या मैं कहना चाहता मैं लेना, नहीं लिखना है याद रखना दोस्त दिस इज द लेटमोसफेयर और ट्रोपोस्फेयर कैसे पाया जाता है सर सर ट्रोपोस्फेयर जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में पाया जाता है कहां पे इक्वेटर पे और कंप्रेस्ड फॉर्म में पाया जाता है पोल पे कितना अच्छा व्यवस्था आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सर ट्रॉपोस्फीयर जो है ट्रॉपोस्फीयर जो है ये एक्सपेंडेड होता है मतलब बहुत ही फैला-फैला होता है पोल पे सही या गलत ट्रू या फॉल्स सर फॉल्स क्यों भाई साहब हमने कल ही देखा था वेद आपको भी मैसेज करना पड़ेगा ठीक है मैसेज करना पड़ेगा क्योंकि उसी से मुझे समझ में आएगा कि चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ठीक है तो ग्रेविटी ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण हमने देखा था कि सर कोई भी चीज अगर वहां पे चुंबक ज्यादा स्ट्रांग है उस वो कोई भी चीज को ज्यादा मतलब स्ट्रांगली होल्ड करेगा ठीक है और सर वहां पे चीज सनलाइट उतना नहीं पहुंचता है तो उतना हीट अप होगा क्या नहीं सर उतना हीट अप नहीं होगा जो चीज ठंडा होता है वो सर ईजली फैलता नहीं है वो कंप्रेस होता है जैसे आप लोग देखे होंगे सर ठंडा पानी को देखिए ना जब कंप्रेस हो जाता है तो कैसे बर्फ बन जाता है और उसी को जब उबाल देते तो कैसे भाप बन जाता है ठीक है तो आ, उबालने से सर क्या हो रहा है हीट एनर्जी से वो क्या हो रहा है वो एक्सपेंड हो रहा है और ठंडा होने से क्या हो रहा है सर वो कंप्रेस हो रहा है ठीक है आई होप समझ में आया होगा यहां तक अब देखिएगा सर इक्वेटर में कितना दूर तक इक्वेटर में कितना दूर तक टोपोस्टर पाया जाता है ये बड़े अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने इक्वेटर में कितना दूर तक टोपोस्फेयर पाया जाता है अठारह किलोमीटर और पोल पे कितना दूर तक पाया जाता है आठ किलोमीटर तक अब समझ मारा है एग्जाम में अगर ये चीज दे देता कि सर क्रोपोस्फेयर जो है वो आठ किलोमीटर तक पाया जाता है पोल पे और इक्वेटर पे अठारह किलोमीटर तक पाया जाता है क्या ये कथन सही है या नहीं आप लोग मार के आते बताए क्या ऐसे कैसे मतलब सेम ए चीज के बारे में बात हो रहा है इक्वेटर पे ज्यादा और इधर कम ऐसे कैसे क्यों हो रहा है और ये सब चीजें थोड़ा याद रखिए ठीक है थीके? मतलब याद नहीं रखना है बस समझना है चीज को समझते चलना है ठीक है समझ में आया यहां तक सभी को आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से एक पॉइंट दिखिएगा नॉर्मल लैप्स रेट बाप रे बाप ये क्या है या फिर इन्वायरमेंट या फिर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट बाप रे बाप क्या इतना बड़ा लिख दिया सुनिएगा ध्यान से अच्छा कल दुनिया में हमेशा चीज याद रखेगा जो चीज लगेगा ना बहुत हार्ड है वही चीज बहुत ईजी होगा जैसे आप लोगों ने कभी सुना नहीं था जल जल डबरू मध्य स्थमस बाप रे बाप कितना हार्ड लग रहा है पिक्चर देखे सर ऑल क्लियर वैसा ही सर ये सब चिंदी चीजें हैं देखने में लग रहा बहुत हार्ड है लेकिन अभी आप लोग बोलेगा था देखिए अच्छा कल मैंने बताया था यह है पहाड़ आप हैं यहां पे खड़े हुए आप कोई मुझे बता पाएगा कि यहाँ पे ज्यादा ठंडा लगेगा ए, लगे। ए जगह पे ज्यादा ठंडा लगेगा कि बी जगह पे ज्यादा ठंडा लगेगा कॉमन सेंस कॉमन सेंस बी जगह पे ज्यादा ठंडा लगेगा कि ए जगह पे बात है सर बी जगह पे क्यों समझते हैं हम लोग उस चीज को सुनिएगा ध्यान से आई होप आप लोग सब पहाड़ वहाड़ में गए हैं दोस्त ठीक है सुनिएगा ध्यान से ये है हमारा ग्राउंड लेवल ठीक है सर ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है डेंसिटी ऑफ गैस कम हो रहा है याद है कल का डिस्कशन डेंसिटी ऑफ गैस कम हो रहा है गैस का जो घनत्व है वो कम हो रहा है डेंसिटी ऑफ गैस कम हो रहा है सर सर डेंसिटी ऑफ गैस क्या कम होगा तो क्या होगा सर एटमोसफेयर का जो परत है वो कम डेंस होता जा रहा है वो लेंस डेंसर पाया जाएगा कल मैंने आप लोग को एक फैक्ट बताया था कोई मुझे बता पाएगा कि भारी गैस जो है जो हैवी गैसेस हैं वो वो एटमोसफेयर के निचले वाले लेयर्स में पाया जाएगा कि बाहरी बाहरी वाले लेयर्स में पाया जाएगा जो हैवी गैसेस हैं, वो एटमोसफेयर के निचले गैस में जाएगा कि बाहरी गैसों में लेयर्स में पाया जाएगा सर ऑब्वियसली बात है नीचे वाले लेयर्स में पाया जाएगा क्यों सर भारी है वो भारी है वो कल समझाया था बहुत अच्छे से वो भारी है चलिए सर याद रखिए हमेशा ये जो भारी गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कोई मुझे बता कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है

कार्बन डाइऑक्साइड और और भी गैसेस सिर्फ नीचे लेयर तक ही पाए जाते हैं और ऊपर ऊपर लेयर में सर ऊपर लेयर में क्या होता है पता है कोई भी गैस होता ही नहीं है जो कि हीट को ट्रैप कर सके हीट को ट्रैप करने वाला कोई हईये है नहीं है अब आप मुझे बताइए हाइट बढ़ाएंगे तो ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा सर डेंसिटी बहुत कम है ऊपर वाले लेयर्स में कोई हैवी गैस वहां है हईये नहीं है हीट को रोकने के लिए हीट को ट्रैप करने के लिए ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा सर सर बहुत ठंडा लगेगा इसीलिए सर माउंट एवरेस्ट तरफ में बहुत ठंडा लगता है इसीलिए सर और भी सिचुएशन में बहुत ठंडा लगता है बहुत ठंडा लगता है सर समझ में आ रहा है सुनिएगा और ध्यान से अब ये क्या है नॉर्मल लैप्स रेट क्या है चिन्हित चीजें सर बकलोल चीज है सुनिएगा ये क्या बोलता है पता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा कोई नया चीज बोल दिया क्या कि जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे क्या होगा टेम्परेचर कम होते जाएगा बोलिए भाई साहब कोई नया चीज बोल दिया क्या ये ये इतना बड़ा ना मतलब वही लिपस्टिक काजो लगा के हम भी कट जाना कैप मुंह धोए तो क्या बोले सर नॉर्मल लेफ्ट साइड क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप लोग एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे याद रखिएगा लोग उसको हाइट बोलते हैं एल्टीट्यूड को एल्टीट्यूड को क्या बोलते, है? है? altitude. 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 Altitude सर, बोलते हैं हाइट है? बोलते हैं सर एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे सर टेम्परेचर घटने लगेगा कोई सिस्टम है क्या टेम्परेचर घटने का कोई सिस्टम है क्या टेम्परेचर घटने का जी भाई साहब बिल्कुल है जैसे एक किलोमीटर आप ऊपर जाइएगा जैसे आप हाइट एक किलोमीटर बढ़ाएंगे ना आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा पता है कितना से 6.5 डिग्री सेल्सियस याद रखना है क्या नहीं नहीं, नहीं याद नहीं रखना है जिस दिन एग्जाम में आएगा बगल वाले से पूछना अरे बताओ यार बताओ बताओ और जैसे ही आप इसी का एक और छोटा भाग है कि एक सौ पैंसठ मीटर जैसे आप ऊपर जाएंगे ना एक डिग्री सेल्सियस घट जाएगा बोलिए समझ में आप लोगों को यही है नॉर्मल रेट यही है इन्वायरमेंटल और कुछ नहीं है नॉर्मल लैप्स रेट क्या बोलता है कि साहब जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाइएगा जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ाइएगा ठीक है जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाइएगा जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ाइएगा वैसे वैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा सही या गलत सही या गलत जैसे जैसे हाइट बढ़ाइएगा टेम्परेचर बढ़ेगाचर घटेगा भी तो कितना घटेगा सर जैसे ही एक किलोमीटर ऊपर जाएंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा जैसे ही आप उसको अगर छोटा टर्म से बोला जाए दोनों टर्म्स में पूछा जा सकता है किलोमीटर मीटर में भी पूछा जाता है जैसे ही आप एक मीटर ऊपर जाते हैं एक डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा ठीक है अच्छा कोई मुझे बताएगा क्या जमीन के अंदर हम लोग जाते थे एक डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता था फिर बताएगा क्या कितना अंदर घुसने से एक डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता था जमीन के अंदर जाते थे बत्तीस क्या बत्तीस क्या बत्तीस क्या बत्तीस क्या बत्तीस क्या किलोमीटर था कि मीटर था पलटिए जाके देख के आइए पलट ठीक है देख के आइए थोड़ा क्या था देख के आइए मैं बोल रहा हूँ ना देख के आइए एक बार देख लिया साहब क्या था किलोमीटर के मीटर थोड़ा ध्यान रखा कीजिए हर चीजों में कंफ्यूज मत हुआ कीजिए ठीक है नॉर्मल रेट समझ में आया होगा आई होप सभी को ठीक है सर ये जो नॉर्मल लैप्स रेट का जो फेनोमेना है ये किस लेयर में दिखता है टोपोस्र में या फिर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट

वाइड पाया जा रहा है ज्यादा फैला हुआ पाया जा रहा है कहाँ पे इक्वेटर में मतलब सर जितना इसका जो दूरी है मतलब ये ज्यादा दूर तक फैला हुआ है कहाँ पे इक्वेटर पे इक्वेटर पे ज्यादा दूर तक फैला हुआ है मतलब ज्यादा दूर तक ट्रोपोस फैलाया जाएगा ट्रोपोस्फेयर पाया जाएगा और हमने क्या पढ़ा कि टॉपोसफेयर में जितना हम एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे जितना हम लोग एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा सर कोई मुझे कॉमन सेंस से बता पाएगा कि यहां पे कम टेम्परेचर होगा कि यहां पे कम टेम्परेचर होगा कॉमन सेंस कम टेम्परेचर कहां होगा कम टेम्परेचर कहां होगा ऊपर ऊपर की जगह आप लोग इक्वेटर और बोल भी बोल सकते हैं भाई साहब ऊपर नीचे कर रहे हैं ऑब्वियस सी बात है सर 18 मतलब मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं यार कि नॉर्मल लैप्स रेट है क्या ठीक है क्योंकि आप लोग मतलब चीज समझ नहीं रहे हैं कि बहुत ऐसा है कि एग्जाम में पहली बार देख लेने से डर लगने लगता है ठीक है किलोमीटर ज्यादा ऊंचाई जा रहे तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा कम होगा कितना कम होता है एक फैक्ट है माइनस साठ डिग्री सेल्सियस माइनस साठ डिग्री सेल्सियस और सर पोल्स में कितना पाया जाता है माइनस चालीस डिग्री सेल्सियस या फिर माइनस पचास डिग्री सेल्सियस माइनस चालीस डिग्री सेल्सियस या फिर माइनस पचास डिग्री सेल्सियस अब पता है आप लोग यहाँ पे पढ़ के जा रहे एग्जाम में क्या गलती कीजिएगा पता है सेम क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो ट्रोपोस्फेयर है अच्छा अभी बताइए आप लोग मुझे कि ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है उसका टेम्परेचर क्या होगा इक्वेटर पे क्या ट्रोपोस्फेयर का जो लेयर है उसका टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है इक्वेटर पे माइनस साठ और पोल पे हो सकता है माइनस पचास माइनस चालीस या फिर माइनस पचास ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ट्रोपोस्फेयर जो है इस लेयर का इस लेयर का मैक्सिमम टेम्परेचर आई मीन सॉरी नॉट मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर माफ करना थोड़ा हम लोग थोड़ा हम लोग मतलब ये हो जाते हैं ठीक है मिनिमम टेम्परेचर जो है ट्रोपोसफेयर का ये इक्वेटर पे कितना होगा दिया रहेगा माइनस साठ और पोल पे दिया रहेगा माइनस चालीस या फिर माइनस पचास क्या ये कथन सही है अभी क्या मारिएगा आप लोग मिनिमम टेम्परेचर पूछ रहा है ट्रोपोस्फेयर का अभी क्या मारिएगा टू पर पता है एग्जाम में कंफ्यूज़ हो जाइएगा अगर अच्छा से नहीं पढ़ के गए हैं क्या पार आइएगा पता है एस ए क्या लिख रहे हैं आप लोग सा समझ नहीं आया मुझे चलिए क्या क्या नहीं क्या मार्क आइएगा आप लोग पता है कि आंसर जो है वो गलत है क्यों आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं थे इसीलिए आंसर गलत हो गया क्यों गलत हो गया सुनिएगा आप लोग क्या दिमाग लगी है? इक्वेटर जो है वहां पे गर्मी देता है वो तो गर्म जगह है वहां पे तो धूप इतना पड़ रहा है और पोल जो है वो तो ठंडा जगह है वहां पे इतना इतना ज्यादा ठंडा है तो ज्यादा ठंडा कहाँ होना चाहिए पोल में होना चाहिए और इक्वेटर में कम ठंडा होना चाहिए मतलब ये कथन जो है ये गलत है ऐसा आप लोग मार के आइएगा एग्जाम में प्रभु ऐसा को, कोशिश मत कीजिएगा हम लोग इक्वेटर एकदम जमीन पे बात नहीं कर रहे हैं आपके चरणों पे बात नहीं कर रहे हैं हम लोग अठारह किलोमीटर इक्वेटर से अठारह किलोमीटर ऊपर का बात कर रहे हैं ठीक है ये सब गलती मत कीजिएगा समझ में आया यहाँ तक टोपोस्फेयर सभी को सर इस दुनिया में जितना भी घटना कर्म हो रहा है इस दुनिया में जितना भी घटना गर्म हो रहा है जितना भी घटना चक्र हो रहा है विंड्स के कारण विंड्स के कारण जितने भी एक्टिविटीज होती हैं बारिश होना क्लाउड्स बनना और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो कि जो भी एयर के वजह से हो रहा है जो भी विंड एक्टिविटीज के चलते हो रहा है ठीक है वो किस लेयर में पाया होता है एटमॉस्फेयर के में. टौपोस्फेर में. टौपोस्फेर में होता है समझ में सभी को कि विंड के द्वारा जितना भी एक्टिविटीज हो रहा है जितना भी ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज हो रहा है वेदर से जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज हो रहा है वो किस लेयर में पाया जाएगा तो स्टेटोफेयर में पाया जाएगा सही या गलत टोटल्स फेम में पाया जाएगा गलत बोल रहे हैं आप माफी मांगिए गलत बोल रहे हैं आप ठीक है गलत बात है सर प्रोपोज में होता है ठीक है तो जहां भी आप लोग नोट्स बना रहे हैं अच्छा एक बात मैं अगर आप लोगों से पूछूं तो आप लोग देखते हैं आप लोग आंसर कर पाइएगा कि नहीं कर तो देना चाहिए बट लेट्स सी आर ये है हमारा पृथ्वी सर व्हाट इज द शेप ऑफ आवर पृथ्वी हमारे अर्थ का शेप क्या है व्हाट इज नो ब्रो इट्स नॉट स्पेरिकल इट इज जियोइड ठीक है ये जियोइड सेप का है ठीक है याद रखिएगा आज से जियोइड सेप अगर ऑप्शन में जियोइड ना रहे तो एक और चीज मैंने समझाया था याद कीजिए किसी को याद है कीजिएटेयर एपल क्या क्या मतलब नहीं समझ पाया मुझे जियोइड सेप होता है आप याद रखिए इस चीज को ठीक है अगर डिस्कशन करना होगा मेरे से बाद में कर लीजिएगा ठीक है जॉइड सेव होता है ठीक है जॉइड ऑबलेट स्पेयर भी बताया था मैंने ठीक है अच्छा कोई मुझे बताएगा कि अर्थ का सेप कैसा होगा स्ट्रक्चर कैसा होगा इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं सर इतना छोटा छोटा चीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं? और मैंने बताया था क्या था ये नाम Fair, क्या? देख नहीं सर हम अनम्यूट करके बोले भी लेकिन बोले भी गलत चीज ऑब्लेटर को पीछे ही छोड़ चुके जीओ डी सी बोलते हैं उसके पूरे पढ़ाई को मुझे पता है कुछ जन होंगे जो अभी म्यूट में पूरा हंस रहे होंगे पीछे आप लोगों का तो मस्त मतलब मूवी देखने का जरुरत ही नहीं है ना चलिए क्या कर रहा हूँ मैं सर ये कौन सा रेखा है मुझे बता पाएगा कोई ये जीरो डिग्री है कौन सा रेखा है ये नहीं, नहीं, नहीं आप आज से उसको कर्क रेखा बोलिएगा आज से आपके लिए जो अंगूर है वो एप्पल कहलाएगा ठीक है इक्वेटर ये साढ़े तेईस डिग्री साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ क्या बोलते हैं इसको साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं कैंसर साढ़े तेईस डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं साढ़े तेईस डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा ठीक तो मकर, मकर, मकर तो है इसको क्या बोलते हैं साढ़े छियासठ डिग्री नॉर्थ को साढ़े छियासठ डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं सर एंटार्क्टिक सर्कल मार देंगे हम तो हम तो एंटार्क्टिक Antarctic... हाँ देखे हम बोले ना एक जन बोलेगा कि एंटार्क्टिक सर्कल है लिख के देते हैं एक जन बोलेगा कि एंटार्क्टिक सर्कल है आर्कटिक सर्कल सर ये है एंटार्क्टिक सर्कल सर एंटार्कटिका किधर है भाई साहब यहाँ पे है आर्कटिक ओशन किधर है इधर है चलिए कोई मुझे बता पाएगा ए बी सी और डी ज्यादा ठंडा आपको कहां लगेगा एबीसीडी में ज्यादा ठंडा कहां लगेगा कॉमन सेंस ज्यादा ठंडा कहां लगेगा किस रेखा के पास आपको ज्यादा ठंडा लगेगा आई होप ये सब का बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं ठीक है थीके? और सी बात है सर जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ पे ज्यादा ठंडा लगेगा क्यों क्योंकि हम लोग देखें जो सन का रे है वो डायरेक्टली पहुंचता ही नहीं है बहुत कम पहुंचता है छह महीना तो सर वहां पर ठंडे छह महीना तो वहाँ पे दिन नहीं होता है मतलब आप लोग मुझे बता पाएंगे अगर मैं एक स्टेटमेंट पूछू आप लोगों से कि सर जैसे जैसे हम लोग लैटिट्यूड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है क्या ये स्टेटमेंट सही है जैसे जैसे हम लोग लैटिट्यूड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऐसे मतलब सेंटेंस वाइज में ठीक है जैसे जैसे हम लोग लैटिट्यूड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा इधर भी सर सेम चीज मतलब इधर कुछ खास उल्टा नहीं हो जाएगा कि इधर बढ़ाएंगे तो कम बढ़ने लगेगा नहीं सर सेम चीज है जैसे-जैसे बढ़ाएंगे टेम्परेचर कम होगा मतलब टेम्परेचर कम करने के लिए आज दो चीजें सीखे हम लोग टेम्परेचर किसी जगह का कम करना है तो क्या कर दो, उसका बढ़ा दो। वाओ और अगर टेम्परेचर कम करना है तो क्या करो एल्टीट्यूड बढ़ा दो अरे सर क्या मतलब है इसका फॉर एग्जाम्पल मैं गर्मी के दिन में बैठा हुआ अपने घर में मुझे अपने घर में इतना गर्मी लग रहा है इतना गर्मी लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं मेरे पास अगर कोई शक्ति आता तो मैं अपने घर को यहां से शिफ्ट कर लेता भगवान ने मेरा वो शक्ति को प्रदान कर दिया मेरे पास ये शक्ति आ गया कि मैं अपने घर को जहां मन वहां शिफ्ट कर सकता हूँ दुनिया में तो मैं कहाँ करूंगा सर हायर लैटीट्यूड्स में करूंगा ताकि गर्मी हमको ना लगे ठीक है और अगर हायर लेटीट्यूड्स में नहीं करते तो कहाँ करेंगे हाई एल्टीट्यूड में करेंगे ताकि टेम्परेचर कम रहे मतलब सर टेम्परेचर घटाने के लिए दो चीजें क्या होती हैं या तो लैटिट्यूड बढ़ा दो या तो एल्टीट्यूड बढ़ा दो दोनों स्टेटमेंट क्लियर है आप लोगों के सामने है समझ में आए सबको चलिए बढ़ते हम लोग आगे एक समरी बनाते हम लोग प्रोपोज फेयर का एक समरी बनाते हैं ठीक है आई होप आप लोगों आप लोगों भी आप लोग भी ऐसा लिखे होंगे ट्रोपोस्फेयर में ठीक है जो भी अलतू फालतू चीज लिखना है फर्स्ट लेयर है लंथ लिख सकते हैं मेरे हिसाब से सबसे पहला चीज क्या है कि सर जो टोपोस्फेयर है क्या वो आइडेंटिकली फैला हुआ है इक्वेटर और पोल पे नहीं सर इट इज नॉट स्प्रेडेड आइडेंटिकली ओवर द इक्वेटर एंड द पोल इट इज प्रेजेंट इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म ओवर वेयर इक्वेटर इक्वेटर में सर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिख रहा है ठीक है फैला हुआ दिख रहा है एक्सपेंडेड दिख रहा है और पोल्स पे कंप्रेस्ड दिख रहा है पोल पे कंप्रेस्ड दिख रहा है किसी को शक नहीं होना चाहिए इस चीज पे सर एक्सपेंडेड कितना ज्यादा एक्सपेंडेड कितना किलोमीटर तक क्रोपोस्फेयर पाया जाता है इक्वेटर पे अठारह किलोमीटर तक और पोल पे कितना किलोमीटर तक पाया जाता है आठ किलोमीटर तक उसके बाद क्या पढ़ा हमने दैट uh, हमने एक चीज पढ़ा कि दुनिया का जितना भी विंड से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं जितने जितना भी वेदर uh, से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं जितना भी uh, घटना कर्म है जितना भी चीजें हो रहा है ट्रोपोस्फेयर में जितना जितना भी चीज हो रहा है आपका विंड से रिलेटेड वो कहाँ हो रहा है ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है मतलब ऑल वेदर रिलेटेड वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज में, ठीक है इसके अलावा क्या पढ़ा पढ़ा, सर हमने? एक concept पढ़ा, normal lapse rate, या फिर ठीक है? सभी को क्लियर है और क्या पढ़ा सर नॉर्मल रेट और इन्वायरमेंटल रेट में ही क्या हमने क्या पढ़ा उसमें कि यार अठारह किलोमीटर जो है जो हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है वो 18 किलोमीटर तक एक्सटेंसिवली फैला हुआ है इक्वेटर के पास तो नॉर्मल ले, रेट के कारण वहां पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा कोई मुझे बताएगा क्या बंधु क्या चल रहा है आप लोग का गुस्सा है क्या मेरे से माइनस लगाइए माइनस माइनस लगाइए बहुत फर्क हो जाता है माइनस प्लस में ठीक है ये पूरा मुझे समझ मारा है कि ये पूरा बन सकता हमारा समरी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि ज्यादा डेंसर ट्रोपोस्फेयर का लेयर कहा मिलेगा आपको इक्वेटर पे कि पोल पे मेरा क्वेश्चन है ज्यादा डेंसर ज्यादा डेंसर ट्रोपोस्फेयर का लेयर कहा मिलेगा इक्वेटर पे कि पोल पे इक्वेटर पे कि पोल पे ज्यादा डेंसर कहा मिलेगा कॉमन सेंस है सर हर चीज आपको मतलब हर चीज मैं लिख के बता दूं ऐसा जरूरी नहीं है कुछ चीजें आपको कॉमन सेंस मिलेगा लेना ओब्वियस सी बात है सर ज्यादा कंप्रेस जहां पे होगा ज्यादा कंप्रेस जहां पे होगा वहीं पे तो घनत्व ज्यादा होगा वहीं पे तो ज्यादा डेंसर दिखेगा आपको पोल पे दिखेगा लेस डेंसर कहां मिलेगा इक्वेटर पे किसको किसको ये बात नहीं समझमाया किसको किसको ये बात नहीं समझमाया बिफ फ्रैंक टू मी आई होप सबको समझ में आना चाहिए ये चीज कि यार इक्वेटर ऑब्वियस सी बात है सर आप ही समझिए एक एक बड़ा सा पत्थर है एक बड़ा सा पत्थर है आपके माथा में रखते रहें सर पत्थर का डेंसिटी ज्यादा है कंप्रेशन फील होगा आपके माथा को और उतना ही बड़ा एक पैकेट में हम लोग रुआ रख दे रहे हैं आपके माथे के ऊपर रुआ का जो डेंसिटी है बहुत कम है आपको कुछ नहीं बुझाएगा आपको लगेगा ही नहीं कि आपका माथा कंप्रेस हो रहा है सर जहाँ पे कंप्रेशन ज्यादा होगा ना वहाँ पे डेंसिटी भी ज्यादा होगा ठीक है तो यही टोपोस्फेयर यही था सर बहुत चींदी चीज था टोपोस्फेयर ठीक है देखिए बताने की कोशिश किया होगा यही सब फालतू तो फालतू चीज है कि हवा उड़ रहा है तो लंथन हो रहा है सिंक हो रहा है ये सब पढ़ेंगे हम लोग बाद में कि का लिखा हुआ ठीक है सिंक पढ़ेंगे हम लोग ठीक है यहां तक सबको समझ में आया होगा सुनिएगा एक चीज होता है सर ट्रोपो पॉज क्या है ये सर नाम सही पता चल रहा है क्या हो सकता है ट्रोपो माने ट्रोपोस्फेयर का बात कर रहा है ट्रोपोस्फेयर का, ट्रोपो का बात कर रहा है पॉज माने रुक जाओ रुक जाओ एकदम रुक जाओ ट्रोपोस्फेयर हमको पता है ट्रोपोसफेयर क्या होता है ट्रोपोसफेयर अब रुक गया मतलब ट्रोपोसफेयर में पौज आ गया ट्रोपोस्फेयर उतना दूर तक ही पाया जा रहा है सर क्या है सिस्टम सुनिएगा ध्यान से ये था हमारा ट्रोपोसफेयर ये था हमारा ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोसफेयर 18 किलोमीटर तक पाया जा रहा है ऊपर में हम लोग देख लिए लेकिन सर 18 किलोमीटर के बाद एक पौज आ जाता है एक जगह आ जाता है जहां के बाद ट्रोपोस्फेयर का जो लेयर है वो खत्म हो जाता है और दूसरा लेयर स्टार्ट हो जाता है ठीक है उसी उसी पौज को उसी ब्रेक मानने को क्या बोलते हैं हम लोग पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं ट्रोपोस ट्रोपोपोज 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 समझ में आया सबको कि ट्रोपोपोज एक ऐसा लाइन है इमेजिनरी लाइन समझ लीजिए या फिर इमेजिनरी एक एक चीज समझ लीजिए एक लेवल समझ लीजिए जिसके बाद से ट्रोपोस्फेयर का जो लेयर है वो अब खत्म हो गया उसके बाद अब एक नया लेयर स्टार्ट हो रहा है कोई रॉकेट साइंस नहीं है फिर से समझा रहा हूँ तो ट्रोपोपोज क्या होता है ट्रोपोपोज एक ऐसा इमेजिनरी लाइन एक ऐसा इमेजिनरी जगह एक ऐसा इमेजिनरी हाइट पे जगह जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो गया उसके बाद एक नया लेयर स्टार्ट हो गया समझ में आया ट्रोपोपोज क्या होता है बोलिए साहब समझ में आया सबको ट्रोपोपोज क्या होता है ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था कोई मुझे बताएगा जब हम लोग इंटीरियर पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था एक लेयर खत्म होने के बाद मतलब एक लेयर कहां पे खत्म हो रहा है उस चीज को वहां पे कुछ और बोलते थे डिसकंटिन्यूटी याद है सी एम आर जी एल रेप्टी गुटेनबर्ग लेहमान सर सेम चीज है यही यहाँ पे कुछ अलग हम लोग डिस्कंटिन्यूटी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग उसी का एक नाम दे दे रहे हैं उसी लेयर का नाम दे दे रहे हैं कि ये लेयर जो है ये लेयर जो है इस लेयर के बाद मतलब अब अब ये जहां पे वो लेयर पॉज हो जा रहा है उसके बाद एक नया लेयर स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो टॉप आई होप समझ में आया होगा सर वैसे ही क्या हर हर लेयर का एक पॉज होगा बिल्कुल हम लोग को नहीं पता कि स्टेटोस्फेयर क्या होता है लेकिन स्टेटोसफेयर भी एक जगह पे जाने के बाद वो भी खत्म हो जाएगा उसके बाद एक नया लेयर आ जाएगा मतलब वहां पे क्या कौन सा पॉज आएगा स्टेटो पौजो पौज वैसे पॉज पॉज पौ� खेलेंगे हम लोग ठीक है आई होप समझ में आएगा आप लोगों को पे खत्म होता है ऐसा मैं कहना चाहता हूँ लेकिन एक चीज मुझे और बताना है एग्जाम में ना कभी कभी नॉर्मल लैप रेट आपसे ग्राफिकल मेथड से भी पूछ देगा अगर आप लोग थोड़ा भी बेसिक्स कभी भी क्लास सिक्स सेवन एट का भी मैथ पढ़े होंगे तो एक चीज का मुझे आंसर देना इधर है हाइट इधर है टेम्परेचर टेम्परेचर इधर हाई है और जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो लो होते जा रहा है, ये एक ग्राफ हो गया और ये दूसरा ग्राफ इधर है हाइट इधर है टेम्परेचर इधर है हाई और इधर है लो ये ऑप्शन ए यह ऑप्शन बी कोई मुझे बता पाएगा कि कौन सा ग्राफ नॉर्मल लैप्स रेट को बता रहा है सर ऐसा भी क्वेश्चन डाल सकता है जब जो क्वेश्चन एग्जाम लेने वाला अपना बीवी से जब झगड़ा उड़ा करके आएगा ना तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है बस आपको बस अपना बेसिक्स कॉन्सेप्ट हिलाना नहीं है कि नॉर्मल लेप्स रेट का मतलब क्या होता था नो ब्रो इट्स नॉट स्ट्रेट लाइन इट्स अ कर्व इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगा कभी भी नेचुरल uh, चीजों में कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है एक्स इज का ग्राफ कभी नहीं बनेगा ध्यान से सुनिएगा द आंसर इज ए ऐसा क्यों नॉर्मल लेफ्ट साइड क्या बोलता था सिंपल सा चीज हाइट बढ़ाइएगा तो क्या होगा टेम्परेचर घटेगा सर हाइट बढ़ाएंगे। हाइट बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को कम होना चाहिए कम होने के लिए किधर जाना चाहिए हमें इधर क्योंकि लो हम इधर साइड दिखाएं सर लो इधर है मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए मेरा क्यों देखिए यहाँ पे यहाँ पे हाइट कम था इस जगह पे हाइट कम था देखिए टेम्परेचर ज्यादा है इस जगह पे हाइट बढ़ा दिए सर टेम्परेचर और कम हो गया क्यों क्योंकि हम लोग लो की तरफ बढ़ रहे हैं इस साइड भी देखिएगा एक्स एक्सेस में हम लोग हाइट यहाँ पे बढ़ा दिए अब देखिए टेम्परेचर और कम हो गया क्यों लो की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग हाइट देखिये यहाँ पे और बढ़ा दिए टेम्परेचर और कम हो गया तो ऐसे करके आपको समझना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है ये सर विपरीत चल रहा है हाइट बढ़ाने पे यहाँ पे क्या हो रहा है आ, यहाँ पे हाइट घटाने पे टेम्परेचर घट रहा है ऐसा नहीं था सर नॉर्मल कैसे मुझे समझ में आया देखिए सर ये जो पॉइंट है हाइट बहुत कम है लेकिन देखिए टेम्परेचर कितना कम है बहुत कम है देखिए हाइट बढ़ा दिए टेम्परेचर बढ़ा कि कम हुआ सर टेम्परेचर देखिए बढ़ गया हाई की तरफ आप जा रहे हैं हाई की तरफ जा रहे हैं सर हाइट बढ़ा दिए टेम्परेचर और बढ़ गया तो क्या ये चीज नॉर्मल ठीक है आप तो घबराना नहीं है कोई बड़ा तीस मार खान चीज नहीं है सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है सिक्स सेवन क्लास का अपने छोटे भाइयों से जा नहीं बन रहा है आप अपने भाई बहन को लेके बैठिए उससे बोलिए कि बाबू प्लीज समझा दो मेरे को वो समझा देगा आपको ठीक है चलिए ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे खत्म होता है नेक्स्ट वी विल हेडिंग वी विल हेडिंग टूवर्ड दटोस्फेयर वी विल हेड टूवर्ड दटोस्फेयर ठीक है स्टेटोस्फेयर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग ठीक है स्टेटोस्फेयर सबसे पहला चीज स्टेटोस्फेयर क्या लिखना है इसमें वेद जी अपना कैमरा बंद कर लीजिए आप ऑन हो गया स्टेटोस्फेयर स्टेटोस्फेयर में क्या लिखा हुआ है ठीक है स्टेटोस्फेयर में क्या है सुनेगा ध्यान से ठीक है स्टेटोस्फेयर में क्या पढ़ना को मुझे बताएगा ये तीसरा तीसरा लेयर है एटमॉस्फेयर का सही या गलत ये तीसरा लेयर है एटमॉस्फेयर का सही या गलत झूठ बोल रहे हैं आप जी ये तीसरा लेयर है अच्छा गलत ओ सॉरी सॉरी ब्रो टी या फिर एफ ही बोलो तो या फिर गलत सही वैसे बोलो तो मतलब ठीक है माय मिस्टेक मुझे समझना चाहिए तो झूठ बोल रहे हैं आप ठीक है ये दूसरा लेयर है दिस इज द सेकंड लेयर ठीक है आई होप सबको याद होगा इतना मैं नहीं बताने वाला हूँ कि बस मैंने बोल दिया अब देखिए ध्यान से कोई मुझे बता पाएगा कि विंड का जितना भी गतिविधि हो रहा है जितना भी विंड के द्वारा वेदर चेंजेस हो रहा है ये किस लेयर में देखा जाता है हमें विंड क... विंड के एक्टिविटीज के कारण जो भी वेदर में चेंजेस आ रहा है ये किस लेयर में देखा जा रहा है सर ट्रोपोस्फेयर में फर्स्ट लेयर मत बोलिए ट्रोपोस्फेयर बोलिए ठीक है ट्रोपोस्फेयर में देखा जा रहा है सर हवा में एरोप्लेन उड़ रहा है कहा इजिली उड़ पाएगा जहां पे हवा बहुत तेज चल रहा है कि जहां हवा बहुत आराम से चल रहा है कहा एरोप्लेन अच्छा से चल पाएगा ऑब्वियस सी बात है सर जहाँ बहुत ही अच्छा चल रहा है सर ठीक है जहाँ पे बहुत ही हवा एकदम शांत है जहाँ पे हवा एकदम आराम से चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है कोई विंड के तरफ से एक्टिविटीज नहीं है कोई वेदर एक्टिविटीज नहीं है कुछ भी वेदर में प्रॉब्लम नहीं चल रहा है वहां पे अच्छा से एरोप्लेन उड़ सकता है ऐसा कौन सा जगह है एग्जाम में पूछेगा आपसे कि किस लेयर में एरोप्लेन उड़ता है याद क्या रखना है सब सबको समझ में आ गया होगा आई होप एटोस्ट में एरोप्लेन उड़ता है चलिए और क्या क्या पढ़ना है हमें देखिएगा ध्यान से यह है हमारा ग्राउंड यह है हमारा ट्रोपोस्फेयर इसके ऊपर वाला लेयर ऊपर वाला लेयर क्या है इसके ऊपर वाला लेयर क्या है ये क्या है हमारा टोपोस्फेयर और मैं बार बार बना रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ध्यान नहीं देंगे आप ही के लिए बना रहा हूं कोई मुझे बताएगा टोपोस्फेयर में हाइट बढ़ा रहे थे तो टेम्परेचर क्या हो रहा था बढ़ रहा था कि घट रहा था Toposphere में हाइट बढ़ा रहे थे तो टेम्परेचर कम हो रहा था याद रखिएगा स्टेटोस्फेयर में क्या है यह है स्टेटोस्फेयर में स्टेटोस्फेयर स्टेटोस्फेयर में क्या होता है हाइट बढ़ाने पे टेम्परेचर भी बढ़ता है हाइट बढ़ाने पे टेम्परेचर भी बढ़ता है दैट इज वाई मैंने क्या लिखा है जो नॉर्मल लैप्स रेट है जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो मैंने कहाँ पढ़ाया मैंने ये नहीं बोला कि ये पूरे एटमोसफेयर के लिए एप्लीकेबल है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोजफेयर के लिए एप्लीकेबल है क्या मैं बोल रहा हूँ प्रोपोजफेयर में क्या होता है कि हाइट बढ़ाने पर टेम्परेचर घटता है पर स्टेटोसफेयर में क्या होता है हाइट जैसे जैसे बढ़ाएंगे आप टेम्परेचर भी साथ में बढ़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ दीजिए मैं समझा दूंगा अभी सिर्फ याद रखिए ठीक है।, है ऐसा हो रहा है ऐसा होता है ठीक है सर ये जो टोपोस्फेयर है ये इक्वेटर में कहाँ तक फैला हुआ है लिखते चलिए आप लोग और कितना वहाँ पर टेम्परेचर मिलता है वो भी लिखते चलिए टोपोस्फेयर कहाँ तक फैला हुआ है सर अठारह किलोमीटर इक्वेटर में और पोल पे आठ किलोमीटर टेम्परेचर माइनस चालीस से माइनस पचास ठीक है सर ये जो स्टेटोस्फेयर है ये कितने दूरी तक पाया मतलब ग्राउंड से अठारह किलोमीटर और ग्राउंड से स्टेटोस्फेयर कितना दूरी में रहेगा पचास किलोमीटर समझ में आए सभी को पचास किलोमीटर दूर रहेगा मतलब स्टेटोस्फेयर कहां तक पाया जाता है कोई आपसे पूछे तो सर पचास किलोमीटर तक ग्राउंड से पचास किलोमीटर तक स्टेटोस्फेयर पाया जाएगा ठीक है चलिए अब सुनिएगा ध्यान से स्टेटोसफेयर के पास टेम्परेचर कितना होता है मतलब मिनिमम टेम्परेचर पचास किलोमीटर के पास कितना पहुंच जाएगा स्टेटोस्फेयर का सर जीरो डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा अरे ये क्या बोल रहे हैं आप जीरो डिग्री सेल्सियस मतलब सर टेम्परेचर ज्यादा कहाँ है कोई मुझे बता पाएगा ए पॉइंट पे कि बी पॉइंट पे टेम्परेचर ज्यादा कहाँ है टेम्परेचर ज्यादा कहाँ है टेम्परेचर ज्यादा कहाँ है टेम्परेचर ज्यादा कहाँ है बी बोलने वालों को मेरे तरफ से एक एक कॉफी घर आ जाइएगा पिला देंगे ठीक है आप लोग फिर से देखिए माइनस साठ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा है कि जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा है कौन सा ज्यादा है सर माइनस में है वो माइनस में है माइनस साठ लिखा हुआ है माइनस साठ मतलब बहुत ठंडा है बहुत ज्यादा ठंडा है मीन्स टेम्परेचर ज्यादा कहां है टेम्परेचर ज्यादा यहां पे है टेम्परेचर ज्यादा यहां पे है टेम्परेचर यहां पे ज्यादा है और यहां पे कम है ए में टेम्परेचर ज्यादा है और सर ऐसा क्यों हो रहा है बाद में पढ़ेंगे हम लोग लेकिन ऐसा हो रहा है क्यों बाद में पढ़ेंगे लेकिन ऐसा होता है इसलिए क्योंकि हाइट बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है कहां पे स्टेटोस्फेयर में बोलिए समझ में आया यहां तक सभी को अब देखिए अब देखते हैं हम लोग अच्छा <coughs> एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा टेम्परेचर इज मोर इन विच लेयर किस लेयर में टेम्परेचर ज्यादा होता है प्रोपोस्फेयर में या फिर स्टेटोस्फेयर में क्या मारिएगा आप लोग पता है, नहीं मारते हैं लोग क्यों लोगों के दिमाग में यही चलते रहता है कि यार ऊपर जा रहे हैं तो ठंडा ना लगेगा ज्यादा स्टेटोस्फेयर में गर्मी कहीं लगेगा हमको अवैसी बात है ऊपर जाएंगे तो ठंडा लगना तो चाहिए हमको अवैसी तो बात है स्टेटोसफेयर तो ट्रोप्पोस्फेयर से ज्यादा ठंडा होना चाहिए लेकिन नहीं साहब कॉन्सेप्ट बदलिए अपना टोपोसफेयर जो है वो ज़्यादा ठंडा है स्टेटोसफेयर में टेम्परेचर बढ़ने लगता है अब एकदम मतलब एकदम मतलब दिमाग लगा के एकदम पार ही नहीं हो जाना है कि एकदम वहाँ पे पानी उबाल देंगे हम लोग इतना गर्मी है नहीं सर पानी उबालने वाला गर्मी नहीं है विथ कम ठंडा तो यहाँ भी लगेगा सर ह्यूमन बॉडी के लिए लेकिन विथ कंपेरिजन टू माइनस सिक्सटी डिग्री यहाँ पे जीरो डिग्री सेल्सियस है इसके में गर्म है सर ठीक है आई होप सभी को समझ में आया होगा ऐसा क्यों हो रहा है चलिए, ओजोन। सबसे पहले तो लिखिएगा आप लोग कि ओजोन किस लेयर में पाया जाता है ओजोन जो पाया जाता है ये स्टेटोस्फेयर में पाया जाता है कहां पाया जाता है स्टेटोस्फेर में ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है ओथरी ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है ओथरी सुनिएगा ध्यान से ओजोन लेयर बनता कैसे है? ध्यान से सुनिएगा ओजोन लेयर बनता कैसे है हमारे पृथ्वी में हमारा जो पृथ्वी है हमारे पृथ्वी में ओजोन पहले से नहीं था ओजोन I mean, बनता है हमारे पृथ्वी में ओजोन जो है वो फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है हमारे पृथ्वी में ओटू ओटू मॉलिकूल अवेलेबल है ओटू मोलिकूल किसका होता है सर ऑक्सीजन का ठीक है ओटू मोलिकूल जो है वो ऑक्सीजन का अवेलेबल होता है ये क्या करता है सुनिएगा ध्यान से आप सभी को पता है ना सूरज से एक यूवी रे बोल के आता है यूवी यूवी रे आता है सन से ठीक है जब ये हमारे ओटू से टकराता है जो हमारा एटमोसफेयर में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स हैं, ओटू मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो उससे टकराता है ये यूवी रे जब उससे टकराता है जब ये यूवी रे उन सबसे टकराता है तो क्या होता है पता है ये ओटू टूट जाता है ये ओटू क्या बना लेता है सर नेसेंट ऑक्सीजन बना लेता है नेसेंट मतलब अभी अभी पैदा हुआ जैसे बोलते हैं नेसेंट बेबी अभी अभी बच्चा पैदा लिया है अभी अभी पैदा लेने वाले को सर, तो क्या बोलते हैं नेसेंट सर ओ टू अगर टूटेगा तो कैसे टूटेगा ए गो ओ ए गो ओ एगा मत कि केमिस्ट्री पढ़ाने लगा नहीं साहब अब नहीं है सुनिएगा ध्यान से कॉमन सेंस वाली बात है कि जितना भी यूवी रेज आ रहा है क्या वो हर यूवी रेज ओटू मोलिक्यूल से टकरा जाएगा और हर हर ओटू मोलिकुल्स को तोड़ देगा नहीं साहब किसी किसी को तोड़ेगा बाकी तो बाकी मतलब कोई मतलब मतलब कॉमन सेंस वाली बात है यार इतना सारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो सकता है हमारे एटमॉस्फेयर में जिसका हम लोग गिनती भी नहीं रख कर सकते हैं. तो क्या यूवी रे हर मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा नहीं सर कोई कोई मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा बाकी मेजरली ओटू मॉलिक्यूल्स अभी भी अवेलेबल हैं मतलब सर O2 मॉलिक्यूल्स अभी भी एटमोसफेयर में अवेलेबल हैं मानते हैं आप लोग सब अब देखिए ओजोन कैसे बन रहा है ये वाला O2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर जाता है इस वाले ओ के साथ क्या बना देता है O3 ये वाला O2 मॉलिक्यूल जो अभी भी अवेलेबल है वो कंबाइन हो जाता है इस वाले ओ के साथ और क्या बना देता है ओथ्री और सर ओथ्री को ही क्या बोलते हैं हम लोग ओजोन सबको समझ में आया ओजोन बन कैसे रहा है ओजोन लेयर बन कैसे रहा है बोलिए यहां तक सबको समझ में आया कि ओजोन लेयर कैसे बन रहा है है बात सर मैंने क्या बोला कुछ नहीं बोला कि ओटो मॉलिक्यूल्स अवेलेबल था हमारे मतलब ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे एटमोसफेयर में अवेलेबल था यूवी रे आया ओटो मॉलिक्यूल से टकराया ओटो मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया दो गो नेसेंट ऑक्सीजन बना

कि ये हमें यूवी रेज वगैरह से बचाता है सर स्किन कैंसर वगैरह से बचाता है बहुत सारा और भी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है हम लोग को उत, उसका पढ़ने का जरूरत नहीं है ठीक है बस अभी इतना समझना है कि ओजोन बन कैसे रहा है बेसिक आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छा आप लोगों ने कभी सुना है ओजोन होल इधर उधर न्यूज पढ़ते वक्त ओजोन होल हो रहा है ये ओजोन होल क्या है क्या ये दीवार में छिनी हो थोड़ा सा होल किया जा रहा है नहीं देखिए क्या होता है ह्यूमन के द्वारा एक्टिविटीज या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन ठीक है आदमी इंसान ह्यूमन एंथ्रो मतलब ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मतलब Humans के द्वारा किए जाने वाले एक्टिविटीज सर हम लोग वगैरह का यूज करते हैं ठीक है आ, क्लोरीन गैस का यूज करते हैं आ, देखते होंगे फ्रिज वगैरह में यूज करते थे पहले अभी तो बंद हो गया है बहुत कम यूज होता है लेकिन पहले बहुत क्योंकि हम लोगों ने समझा कि कैसे ओजोन होल हो रहा है क्लोरीन वगैरह का यूज करते हैं हाइड्रोफ्लोरोबंस का यूज करते थे ठीक है उससे क्या हो रहा था सुनिएगा ध्यान से सर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण ये सब क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, का आयन या फिर मॉलिक्यूल्स बोल लीजिए ये सब हवा में घूमता था अब देखिए हाँ सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने कुछ और बोल दिया ना माफ कीजिएगा ठीक है क्लोरोबन तो ये लोग हवा में ऐसे उड़ते रहता था क्यों क्योंकि सर हम लोग यहाँ से जमीन में कुछ काम उम कर रहे हैं और ये लोग को छोड़ दे रहे हैं ये लोग पहुंच जा रहा है कहा एटमोसफेयर में अब देखिए ये लोग क्या करता है ये लोग जाके कंबाइन हो जाता है जो नेसेंट ऑक्सीजन है जो अभी अभी टूट के बना था जो ऑक्सीजन टूटा था दो हिस्सों में उसी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है अब आप ही मुझे बताइए अगर ये क्लोरीन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन उस नेसेट ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा तो जो अवेलेबल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है वो ओजोन लेयर बना पाएगा क्या नहीं बना पाएगा क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन ही नहीं है नेसेंट ऑक्सीजन का आ, आ, आयन ही नहीं अवेलेबल है सर नेसेंट ऑक्सीजन का आयन ही नहीं अवेलेबल है, तो वहां पे क्या हो जाएगा डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर और उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग ओजोन होल ओजोन होल आई होप ओजोन होल समझ में आया होगा सुनिएगा ध्यान से हम लोग पढ़ रहे थे स्टेटोस्फेर सर कहाँ पूजन में घुस गए सुनिएगा ध्यान से कभी आप लोग पत्थर तोड़ते देखिए पत्थर देखे ही होंगे मतलब ईटा नहीं बोल रहे हैं पत्थर बोल रहे हैं, पत्थर बड़ा बड़ा हथौड़ा से तोड़ते हैं मार मार के देखिएगा जिस हथोड़ा से मारते हैं ना जहां पे मार रहे हैं ना पत्थर पे वहां पे छू के देखिएगा गरम लगेगा गरम लगेगा क्यों तोड़ते वक्त क्या निकल रहा है साथ में हीट एनर्जी निकल रहा है वैसे ही सर ऑक्सीजन जब यहां पर टूटता है ना तब क्या निकलता है साथ में हीट निकलता है हीट निकलता है ऑक्सीजन जब टूट रहा है दो हिस्सों में तो क्या निकल रहा है हीट निकल रहा है ऑक्सीजन जब टूट रहा है तो क्या निकल रहा है हीट निकल रहा है और सर ये ओजोन बनता किस लेयर में है स्टेटोस्फेयर में सर ओजोन बनते वक्त हीट भी निकल रहा है आप ही मुझे बताएंगे हीट निकल रहा है इसीलिए सर हाइट बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर भी साथ साथ बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ओजोन है और ओजोन का फॉर्मेशन भी यहीं पर हो रहा है और ओजोन फॉर्मेशन में हीट भी साथ साथ निकल रहा है इसीलिए उस हीट के कारण स्टेटोस्फेयर में क्या होता है हाइट जैसे जैसे बढ़ाते हैं टेम्परेचर साथ साथ में बढ़ता है बोलिए सर समझ में आया इसे इजी में नहीं कर सकता ठीक है चलिए मतलब अगर स्ट्रेटोस्फेयर का मुझे समरी लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा स्ट्रेटोस्फेयर का अगर समरी लिखना है तो क्या लिखूंगा <coughs> सबसे पहले तो सर यहाँ पे ओजोन पाया जाता है ओजोन ले रहे पे तो कर बाद क्या लिखेंगे सर यहां पे हाइट बढ़ाने से टेम्परेचर भी बढ़ता है उसके बाद क्या लिखेंगे सर एरो एरोप्लेन जो है यहीं पे उड़ता है ये सब चीज आप लोग लिख सकते हैं बोलिए है भाई साहब समझ में आ रहा है आप लोगों को <laughs> बाकी का लेयर हम लोग कल करेंगे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बोलिए